हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमारे देश का एक राज्य केरल जिसमें आजकल बाढ़ आई हुई है और उसके लिए बहुत से जो देश हैं वो सहायता देना चाहते हैं परंतु सरकार ने उसके लिए बिल्कुल इंकार कर दिया है आपने ये खबर पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी और ये आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी छाई हुई है और लोग जो हैं सरकार की टांग खींच रहे हैं चलो अच्छी बात है वो सहायता देना चाहते हैं परंतु हमारी सरकार सहायता नहीं लेना चाहती केंद्र सरकार और जो लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हैं मेरा उनसे सिंपल एक क्वेश्चन है और उन देशों से भी सौ वर्षों में बताया जा रहा है कि ऐसी बाढ़ केरल में आई है इससे पहले बाढ़ केरल में नहीं आती थी इससे पहले बाढ़ जो है हमारे जो बिहार है और आसाम है ना या उससे पहले सुनामी आई थी तमिलनाडु में उड़ीसा में है ना और आपका तटीय आंध्र प्रदेश में उस समय ये सब देश कहाँ थे उस समय इन इनका जमीर क्यों नहीं जागा इनका जमीर केवल केरला के लिए क्यों जागा भाई और जो ये बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि सरकार को मना नहीं करनी चाहिए थी भाई ये बताएं कि इन्होंने कितना पैसा दान में दिया है राहत कोष में कि भाई उनको मना नहीं करनी चाहिए थी क्या ये देश आपका नहीं है क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं थी आपने कितना दान दिया है बेवकूफ लोगों अगर आप एक, एक रुपया भी दान करते तो सवा अरब रुपया होता ठीक है अगर आप दस दस रुपया दान करते तो सवा दस अरब रुपया होता और आप जैसे बेवकूफ चल देते हैं विदेशों की तरफ आंख उठाकर देखने के लिए सबको पंद्रह लाख चाहिए परंतु देने के लिए आपके पास में दस रुपया भी नहीं है शेम ऑन यू और आप उन विदेशियों से पैसा लेना चाहते हैं मेरा सिंपल क्वेश्चन यह है कि यूएई कतर और जो दूसरे देश हैं जिन्होंने आने आज तक बाढ़ के लिए इकन्नी नहीं दी इस देश को किसी दूसरे राज्य के लिए उनके लिए उनका जो प्यार है वो केवल केरला के लिए क्यों उमड़ा पूछिएगा अपने आप से और हो सकता है बाढ़ की आड़ में कुछ और पैसा जो भेजा जाएगा उसके आड़ में कुछ और खेला खेला जाएगा ठीक है मुझे केरला से पूरी हमदर्दी है और वहां के लोगों से भी और आज हम विश्व की छठी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हैं और हम अपने आपको लाचार बता रहे हैं भीख मंगो की तरह भीख मांगना चाहते हैं हम लोग शर्म आनी चाहिए हमको कि हम आरा एक राज्य आज बाढ़ से त्रस्त है उसकी सहायता के लिए हम विदेशों की तरफ देख रहे हैं और गुनगान करने में लगे हैं कि सरकार क्यों मना कर रही है क्या इसमें आपकी सरकार की बेइज्जती नहीं है और मैं सरकार की इस बात का समर्थन करता हूं कि उनको इन देशों से बिल्कुल भी मदद नहीं लेनी चाहिए हम सक्षम हैं हम अपने भाइयों की सहायता कर सकते हैं हम एक दिन की सैलरी अपने छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नो no इश्यू ठीक है ना अगर हर गवर्नमेंट कर्मचारी एक दिन की अपनी तनख्वाह छोड़ दे और लगभग तीन करोड़ के आसपास हर कर्मचारी हैं सरकारों में ठीक है तो हजार रुपया कम से कम आज तनख्वाह है हजार मल्टीप्लाई बाई थ्री करोड़ आप हिसाब लगा सकते हैं कितना पैसा बैठते हैं परंतु हम नपुंसक हैं हम ऐसा नहीं करेंगे हम विदेशियों की तरफ आंख उठा करके देखेंगे लानत है आप लोगों पर तो दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं केरला को छोड़ कर के सब अपनी एक एक दिन की तनखा केरला सरकार को दें हमारे पास बहुत पैसा है ऐसा नहीं है कि हम अपने भाइयों की सहायता नहीं कर सकते वो हमारे भाई हैं और बर्तन है खड़कते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना जैसे एक टोकरी में बर्तन होते ना वो खड़कते रहते हैं हम भी इसी प्रकार के एक बर्तन हैं खड़कते रहते हैं तो मैं सरकार से चाहूँगा सभी राज्यों की सरकारों से और केंद्र सरकार से और मैं अपने सरकारी कर्मचारी भाइयों से और अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि वो अपना सब एक एक दिन का वेतन केरल वासियों को दें ताकि उनका जीवन स्तर बरकरार रह सके थैंक यू एंड धन्यवाद